Hello friends, welcome to my exam solution, and today we have a topic of Bildungsroman. So today in this video I'm going to describe you about Bildungsroman kya hai, literature mein kyun important hai. Ye types of fiction ke jo hamari series chal rahi hai uska hamara aaj ka jo topic hai jo Bildungsroman hum discuss karenge aaj ke is video mein. To main isme aapko definition bataungi, iska historical background, iske characteristics, iske is sab type ke work ne, is type ke fiction ne kya kya important work kare hain और आज के दौर में हमें किस तरह का Bildungsroman देखने को मिलता है. सो वेलकम फ्रेंड्स इन माय एग्जाम सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Bildungsroman क्या है. सो बेसिकली दोस्तों ये जो है एक तरह का फिक्शन का टाइप है जो कि हम फिक्शन में यूज करते हैं. तो Bildungsroman एक टाइप हमारा वर्क है जो कि स्टोरी दर्शाता है किसकी, एजुकेशन की, किसी भी तरह की एजुकेशन जो किसी को मिली हो तो उसकी स्टोरी कौन दर्शाता है, Bildungsroman. अब इसमें वर्ड का मीनिंग समझ ले, बिल्डंग का मतलब होता है एजुकेशन एंड रोमान का मतलब होता है नॉवल. सो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई नॉवल अगर आपको पढ़नी है तो वो हमारा Bildungsroman कहते हैं उसे. किसी की एज से रिलेटेड स्टोरीज दर्शाता है. देन कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई होते हैं Bildungsroman में. सपोज लाइक आप ये मतलब एक कैरेक्टर है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसका मॉरली डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे आपने जेन आयर का एग्जांपल लूँ मैं, फॉर एग्जांपल जेन है, जेन का बचपन से डेवलपमेंट हो रहा है, पूरी नॉवल में उसका पूरा डेवलपमेंट दिखाया गया है बचपन से लेके उसकी एडल्टहुड तक. तो वो हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बोलेंगे Bildungsroman का. और उसमें हमें देखने को मिलता है कि मॉरल डेवलपमेंट होता है जेन का, और उसके लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो कि शेयर करते हैं राइटर हमारे साथ, और बेसिकली जो कैरेक्टर की ग्रोथ है उसको फोकस देता है ये इस टाइप का लिटरेचर. ओके, इस टाइप का फिक्शन जो है कैरेक्टर ग्रोथ पे वर्किंग करता है. देन Bildungsroman जो होता है कमिंग एज स्टोरीज पे वर्क करता है, फोकस करता है नरेटिव पे जो कि हमारे यंग ग्रोइंग हो रही है उनकी. ओके, जो भी हमारे एडल्टहुड की ग्रोइंग हो रही है वो हमारे सारे Bildungsroman में आते हैं. इसमें इनका साइकोलॉजिकली ग्रोथ भी देखने को मिलता है किसी एक एडल्ट का. तो बेसिकली Bildungsroman क्या होता है, समटाइम्स इसको नॉवल का फॉर्मेशन भी कहते हैं, किसी यूथ का फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ दी एजुकेशन ऑफ द पर्सन कहते हैं. तो ये इस तरह का मतलब बेसिकली सी चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा कि Bildungsroman क्या है. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन एजुकेशन, सो द वर्ड मीन्स ऑफ एजुकेटेड नॉवल. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये आपको एक डेवलपमेंट देखने को नजर आ रहा है, टीन एज एन एडल्टहुड यू कैन सी ऑन द इमेज. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ लिटरेचर, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रोथ. तो इसमें ये नहीं है कि आपकी फिजिकली ग्रोथ देखें, इसमें मेंटली एंड साइकोलॉजिकली सब तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी एजुकेशन ग्रोथ भी आपको है कितनी वो सब देखने को मिलेगी. देन आगे चलते हैं इसकी हिस्ट्री की बात करें तो Bildungsroman की हिस्ट्री क्या है, ये एक जर्मनिक वर्ड है. ओके, जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कार्ल मॉर्गेनस्ट्रन ने. ओके, अर्ली 19th सेंचुरी में ये वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था इनके द्वारा. देन फिर पॉपुलराइज मतलब इस वर्ड को इंट्रोड्यूस तो कर दिया लेकिन पॉपुलराइजेशन ये विल्हेम डिल्थी के द्वारा मिला था. ओके, सो विल्हेम डिल्थी जो कि अर्ली 20th सेंचुरी के हमारे देखने को मिलता है वो है राइटर हैं. तो उन्होंने इसको जब लिखा, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इसका मेंशन किया, तब से ये काफ़ी पॉपुलर लिटरेचर के रूप में माना जाने लग गया. तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया उसके बाद से. देन हम बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जॉनरा है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले कम इंटू फोर्स में आया और स्टोरी टेलिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने लग गया. जब भी कोई स्टोरी टेलिंग करता था तो उसमें यूज़ होने लगे Bildungsroman. तो यहाँ पे क्लासिक स्टोरीज अगर आप देखोगे, क्लासिक फिल्म्स देखोगे तो वो सब इसी पे बेस्ड है. और उसमें सेंट्रल कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि यंग पर्सन होता है और उनका ग्रोइंग जो कि बचपन से है वो सब देखने को मिलता है. तो ये जो पूरा का पूरा ये चीज़ है ये जर्मनी से ओरिजिनेट हुआ है. ओके, 18th सेंचुरी के हाफ ऑफ में ये स्टार्ट हुआ है एंड कई सारे नैरेटिव जॉनराज यूरोपियन एंग्लो अमेरिकन लिटरेचर में इनका यूज़ देखने को मिलता है. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्चुअली उनकी जो प्रोटैगनिस्ट है उनकी जर्नी है वो देखने को मिलती है और उनकी जर्नी के ऊपर बेस्ड में काम होता है. तो यहाँ पे आपको एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की जेन आयर का मैंने काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल लिया है आपके सामने. ओके, इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारे एग्जाम्पल्स. तो जेन आयर में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ Bildungsroman का वो हमें देखने को मिलता है. देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मेक डिटेल्स एंड परसेप्टिव इंटरप्रिटेशंस होता है. इंटरप्रिटेशन यानी कि लाइफ में
कैसे कैसे वो थिंक कर रही हैं, यानी कि मतलब सोच रही, समझ रही हैं, डिसीजन ले रही हैं, वो सब चीज़ें। बिल्डंग्सरोमन एक जर्मन वर्ड है, ये तो अब तो याद हो गया होगा। और इसमें क्या है, नॉवल में आपको देखने को मिलता है जो जेन का कैरेक्टर है वो कैसे डेवलप हुआ, और ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि भैया स्ट्रक्चर्ड क्लैरिटी बिटवीन इफेक्टिव एंड द थिंग। देन आगे बात कर लेते हैं कैसे प्लॉट चलता है किसी कैरेक्टर की लाइफ का। तो ये इमोशनल लॉस ऑफ यूथ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे यूथ लर्न्स मैच्योर्स, यंग अडल्ट एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। देन तो इस तरह का क्या है प्लॉट डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग्स रोमान में हमें। अभी बात कर लेते हैं फीचर्स इन बिल्डिंग्स रोमान के। तो यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहला आता है कॉमन सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं इस टाइप के हमारे फिक्शन में, कॉमन एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, कोई यूथ है या कोई प्रोटैगनिस्ट है या कोई मतलब चाइल्डहुड से अपना लाइफ जी रहे हैं, तो उनका सपोर्ट कौन कौन कर सकता है, कौन कौन सा कैरेक्टर कर सकता है। सबसे पहला है वेग्ड अथॉरिटी फिगर, कि किसी अथॉरिटी का फिगर लेके वो अब तक चल रहे हैं, वो एक तो उनका एक रोल मॉडल प्ले कर सकते हैं। देन दूसरा है कोई सेम सेक्स फ्रेंड है, यानी कि गर्ल टू गर्ल, बॉय टू बॉय, ऐसे करके फ्रेंड है। देन अनरिक्वाइटेड लव, अगर वो किसी से रिक्वाइटेड लव करते हैं तो वो भी उनका एक तरह से कैरेक्टर हो सकता है सपोर्टिंग। देन एक टीचर, टीचर बहुत अहम रोल प्ले करता है इस तरह के लिटरेचर में, इस तरह के फिक्शन में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे बात कर लेते हैं कॉमन थीम्स इन बिल्डिंग्स रोमान में, हमें कौन कौन सी कॉमन थीम देखने को मिलती है। सबसे पहली थीम है गॉड एंड सबलाइम, गॉड एंड सबलाइम, एंड देन क्लास स्ट्रक्चर। कई बार हमें देखने को मिलता है क्लास स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड द सुपर नेचुरल भी हम देख सकते हैं कि एक तरह से ये भी थीम हम देखने को मिलता है। देन प्रोटैगनिस्ट कौन कौन हो सकता है बिल्डिंग्स रोमान में, तो बिल्डिंग्स रोमान में हमें प्रोटैगनिस्ट जो को या तो कोई ऑर्फन मतलब जिसके कोई माँ बाप नहीं है, ना घर है ना बार है उसका, अगर घर से भाग जाता है, रन अवे हो जाता है फ्रॉम द होम, तो वो कोई आर्टिस्ट है या कोई आर्ट या कला को बहुत ज़्यादा दिखाना चाहता है, तो वो भी एक तरह से इस तरह का रोल मॉडल बन सकता है। ओके, प्रोटैगनिस्ट बन सकता है। देन आगे हम बात कर लेते हैं टाइप टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स रोमान, कौन कौन से टिपिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्डिंग्स रोमान में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, और ये थ्री पार्ट के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला पार्ट होता है द सेटअप, विच इंट्रोड्यूस द सेटअप, जो कि इंट्रोड्यूस करता है प्रोटैगनिस्ट को। ओके, आफ्टर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, मतलब पूरे चाइल्डहुड से लेके बताता है, इंट्रोडक्शन देता है एक प्रोटैगनिस्ट का। देन फिर आगे हमारा सेकंड पोर्शन आता है एक्सपीरियंस इन शेप प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर, एक एक्सपीरियंस होते हैं फिर उसको लाइफ के, कई सारे उसके मतलब स्टोरीज चलती हैं लाइफ की, तो वो एक कैरेक्टर के रूप में कल्मिनेटिंग करते हैं एक प्रोटैगनिस्ट को, एक स्पिरिचुअली उसका एंड लॉस ऑफ फेथ पे वर्क करवाते हैं, जैसे उसको फेथ से लॉस हो गया है, उसकी फेथ गायब हो गई है कहीं। देन एट लास्ट जब वो मैच्योर बन जाते हैं तो यूजुअली वो क्या करते हैं, फाइंडिंग अ सेंस ऑफ पीस, पीस के लिए काम करते हैं, फिर पीस ढूंढते हैं। देन आगे बात करते हैं, ये मैंने एक्चुअली एक पिक्चर लिया है मार्क ट्विन का है। ओके, मार्क ट्विन की एक हकलबेरी फिन नाम की एक नॉवल थी, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है जिसमें आपको मार्क ट्विन का जो कैरेक्टर है, मतलब हकलबेरी फिन जो है उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग्स रोमान लिटरेचर के। ओके, सो अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, अभी हमें एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे बिल्डिंग्स रोमान लिटरेचर के। तो प्रीकर्सर में हमें देखने को मिलेगा ट्वेल्थ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे हाई इब्न यगधान बाय इब्न तुफेल नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई काफ़ी फेमस वर्क है। ऐसे ही लजौरिलो दे तोर्मस के द्वारा 1554 में ये वर्क जो लिखे गए हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बिल्डिंग्स रोमान का। देन 17th सेंचुरी की बात करें तो सिंप्लिशियमस बाय हंस जकोब के द्वारा जो लिखी गया है, फिर द एडवेंचर ऑफ टेलीमाचेस बाय फ्रेंचिस फेनेलॉन के द्वारा 1699 में वर्क लिखा गया है, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, देन अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, तो 18th सेंचुरी में द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स, आपको पता ही होगा टॉम जॉन्स के ऊपर नॉवल काफ़ी पहली नॉवल हम कहते हैं इसको काफ़ी, हेनरी फील्डिंग के द्वारा जो लिखी गई है नॉवल, तो ये 1749 में बनी थी।
तो ये सबसे इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, एक जो हमारे टॉम जॉन्स का कैरेक्टर वो भी बचपन से है, मतलब स्टार्टिंग चाइल्डहुड से ही हुआ है। देन एक और है द लाइफ ऑफ ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम सैंडी जेंटलमैन लॉरेंस ट्रेन के द्वारा है, बहुत फेमस वर्क है ये भी, मैंने कई बार UGC नेट में देखा है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो डोंट फॉरगेट टू रीड आउट द वर्क्स। अभी अगर हम 19th century की बात करें, 19th century में तो हमें बहुत फेमस वर्क देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमारी एमा है जो कि जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई है, देन फ्रैंकेस्टीन है मैरी शैली के द्वारा लिखी गई है जिसमें हमें वर्क देखने को मिलता है फ्रैंकेस्टाइन का, ओके द रेड एंड द ब्लैक स्टिंडल के द्वारा लिखी गई है, एंड जेन आयर जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया, शार्लेट ब्रॉन्टे, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जिसके ऊपर कई सारी वीडियोस ऑलरेडी चाल थे के इसके ऊपर बन चुकी हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस टाइप के लिटरेचर का। एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो के द्वारा कार्लियो के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये भी, और भी बहुत सारे जैसे एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन द स्टोरी ऑफ अफ्रीकन फार्म, ओके हकलबेरी मार्क ट्विन 1884 में आया, ठीक है। देन रुडयार्ड किपलिंग कैप्टन्स एंड कॉलेजेस 20th century में किम आई रुडयार्ड किपलिंग की 1901 में पब्लिश हुई थी ये। एक और बहुत फेमस है गॉन विद द वाइंड, बहुत बहुत फेमस नॉवल है ये गॉन विद द वाइंड, आपको देखने को मिलेगा, अमेरिकन राइटर के द्वारा लिखी गई है, 1936 में पब्लिश हुई थी, एंड ये बेसिकली स्टोरी जो बताती है अटलांटा जो कंट्री है जॉर्जिया अमेरिकन सिविल वॉर एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन एरा के बारे में बता रही है, स्कारलेट ओहारा है इसमें। हैरी पॉटर की सीरीज आई थी, सीरीज है फैंटेसी नॉवल है ये भी, एक हैरी पॉटर का देखते ना आप एक डेवलपमेंट है चाइल्ड के रूप में एंड देन उसका एडल्टहुड तक जो डेवलपमेंट होता है वो है। तो ये सारी वर्क्स जो है नॉवल्स जो के वर्क्स हैं ये सब बिल्डंगसरोमान से बिलोंग करते हैं, इस तरह के लिटरेचर इस तरह के वर्क काफ़ी फेमस हैं बिल्डंगसरोमान के लिए। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्डंगसरोमान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोमनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है ये बिल्डंगसरोमान टाइप के लिटरेचर में जो हमारा ये लिटरेरी थिंग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन जस्ट कॉमेंट मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग।